हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजू नीटिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन लेके आई हूँ। इस डिज़ाइन को बनाना बिल्कुल आसान है। ये देखने में जितना सुंदर लग रहा है, बनाना उतना ही आसान है। फ्रेंड्स, फ्रंट साइड से ये ऐसे नज़र आ रहा है, ये देखिए बैक साइड से कहाँ पे सीधे, कहाँ पे उल्टे, कहाँ पे जाली डली है, साफ दिख रहा है। बिल्कुल आसान डिज़ाइन है फ्रेंड्स, इसे बना के ज़रूर ट्राई करना। इसको आप लेडीज़ स्वेटर, टॉप, फ्रॉक, बच्चों का स्वेटर, स्टॉल, मफलर, कैप, कुछ भी बना सकते हैं इसका। बिल्कुल आसान डिज़ाइन है फ्रेंड्स, इसको आप किसी भी कलर में बना लेंगे तो हर कलर में ये डिज़ाइन बहुत सुंदर लगेगा। इसको बनाने के लिए जो हमें फंदे चाहिए होंगे, आप टेंट के मल्टीपल से फंदे डालेंगे। यहाँ से इतना इतना पार्ट, टेन टेन टेन, इतना इतना पार्ट टेन टेन का है। एक फंदा एक्स्ट्रा, दो फंदे स्टिच के लिए, टेन 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 प्लस वन प्लस टू, ऐसे करके आप फंदे डाल लें। बिल्कुल आसान तरीके से इसे बनाएंगे, आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल सेट आ जाएगा। आप पहले फंदे डाल के बॉर्डर बना लें, उसके बाद आप इस डिज़ाइन को, फंदों को एडजस्ट कर लें, उसके बाद ही स्टार्ट करें। पहले बॉर्डर बना के पीछे से आप अगर बिना बॉर्डर भी बनाना चाहें तो ये बहुत सुंदर लगेगा। नीचे कट कट बने आते हैं, बहुत सुंदर लगता है। और आपने बॉर्डर के ऊपर अगर फंदे बढ़ाने हैं तो पीछे वाली साइड से फंदे बढ़ा लें, क्योंकि ये राइट साइड से स्टार्ट होने वाला, फ्रंट साइड से स्टार्ट होने वाला डिज़ाइन है। उल्टी रो में आप फंदे बढ़ा लें और सीधी रो में ये डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल आसान डिज़ाइन है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर किया करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं पूरा बोल बोल के बताती जाऊंगी फ्रेंड्स, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं पूरा बोल बोल के बताऊं आपको, और साथ साथ में आप मेरे बनाते जाएं, आपको बनाने में कोई भी परेशानी ना हो। तो चलो, आप भी फंदे डाल लो टेन टेन के मल्टीपल से। मैंने ये देखिए 20 फंदे डिज़ाइन के लिए, एक फंदा एक्स्ट्रा, दो फंदे स्टिच के लिए डालिए। आप भी इतने फंदे डाल लो और मेरे साथ ही स्टार्ट करें। मैं पूरा बोलती जाऊंगी, आप मेरे साथ साथ बनाते जाना। पहला फंदा स्किप करेंगे, सीधा भी बना सकते हैं। तीन फंदे पहले उल्टे बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, आगे वाली साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, जाली डालेंगे, इस फंदे को पहले सीधा कर लेंगे, पीछे की तरफ दो का एक कर लेंगे। फिर से हमें पांच फंदे उल्टे बनाने हैं, एक दो तीन चार पाँच, धागा पीछे करेंगे, आगे की तरफ से दो का एक करेंगे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, जाली डालेंगे, इस फंदे को पहले सीधा कर लेंगे, पीछे की तरफ से दो का, पीछे की तरफ से दो का एक कर लेंगे, धागा आगे करेंगे, तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन, लास्ट वाला फंदा सीधा बना लेंगे। उल्टी रो, सेकंड रो में पहला फंदा स्किप करेंगे, धागा पीछे करेंगे, अब तीन फंदे सीधे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। यहाँ पे ये फंदे जो उल्टे नज़र आ रहे हैं, जाली वाले फंदे भी हमें उल्टे बनाने हैं, जो उल्टे नज़र आ रहे हैं इन्हें उल्टा बना लेंगे, धागा आगे करेंगे, पांच फंदे सीधे, एक दो
तीन चार पाँच, पाँच फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे। फिर से डिज़ाइन वाले फंदे जो हमने जाली डाल के बनाए थे उन्हें उल्टा बना लेंगे, धागा आगे करेंगे, तीन फंदे सीधे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, लास्ट वाला फंदा उल्टा बनाएंगे। पहला फंदा स्किप करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। पहले यहाँ पे तीन फंदे उल्टे बनाए थे, अब दो फंदे उल्टे बनाएंगे। दो फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा पीछे करेंगे। अब एक उल्टे वाला फंदा लेंगे, एक सीधे वाला, दो का एक करेंगे। अब ये जाली डाली थी, इस जाली को हमें सीधा बनाना है। फिर से जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा। इस फंदे को पहले सीधा कर लेंगे, पीछे की तरफ दो का एक कर लेंगे, ये देखिए। फिर से हमें अब तीन फंदे उल्टे बनाने हैं, पहले पांच बनाए थे, अब तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। फिर से वही रिपीट करेंगे, दो का एक कर लिया, एक फंदा सीधा बना लिया, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, जाली डालेंगे। अब इस फंदे को सीधा बना के इस फंदे को पहले सीधा करेंगे, पीछे की तरफ दो का एक कर लेंगे, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, उल्टी रो में पहला फंदा स्किप। जो हमें सीधे नज़र आ रहे हैं उन्हें सीधा बना लेंगे, जो हमें उल्टे नज़र आएंगे उन्हें उल्टा बना लेंगे। जाली वाले फंदे भी उल्टे बनते जाएंगे। तीन फंदे सीधे, धागा पीछे, यहाँ पे जो जाली वाले फंदे डाले थे वो भी हमें उल्टे बनाने हैं। दो फंदे सीधे, लास्ट वाला उल्टा। पहला फंदा स्किप करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, यहाँ पे आगे की तरफ से दो का एक कर लेंगे। अब दो फंदे सीधे आएंगे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, जाली डालेंगे, एक दो तीन, तीन फंदे। तीसरे फंदे को जैसे हमने इस साइड पे दो का एक किया था, इस साइड पे इस फंदे को पहले सीधा करके फिर दो का एक करना है, पीछे की तरफ से दो का एक कर लिया। अब एक फंदा उल्टा, आगे की तरफ से दो का एक, दो फंदे सीधे, जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, जाली डालते हुए यहाँ पे पहले दो फंदे सीधे बनाएंगे, इस फंदे को सीधा करेंगे, पीछे की तरफ दो का एक करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, लास्ट वाला सीधा। उल्टी रो में जो सीधा नज़र आ रहा है उसे सीधा, जो उल्टा नज़र आ रहा है उसे उल्टा बनाएंगे। पहला फंदा स्किप करेंगे, पहला फंदा स्किप कर लिया। अब क्या करेंगे, इस फंदे को दो का एक करेंगे, पहला फंदा स्किप किया, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, एक दो फंदे सीधे, इस फंदे को आगे की तरफ से ये देखिए दो का एक करेंगे, जाली डालेंगे, एक फिर से जाली डालेंगे, इस फंदे को पहले सीधा कर लेंगे, पीछे की तरफ दो का एक कर लेंगे, एक कर लिया, दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, फिर से एक दो, दो फंदे सीधे, इस फंदे को आगे की तरफ से दो का एक कर लेंगे, जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, जाली डालते हुए इस फंदे को पहले सीधा करेंगे,
पीछे की तरफ दो का एक कर लेंगे। दो फंदे सीधे बनाएंगे, एक फंदा उल्टा, लास्ट वाला सीधा। उल्टी रो में जो जैसे नज़र आ रहा है वैसे ही हमें बनाना है। अब देखिए उल्टी रो में जैसे जो नज़र आ रहा था वैसे ही बना लिया। पहला फंदा स्किप किया, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, यहाँ पे दो का एक करेंगे जाली डालते हुए। यहाँ पे अब तीन फंदे सीधे, तीन फंदे सीधे जाली डालेंगे। इस फंदे को सीधा करके पीछे की तरफ दो का एक करेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर से रिपीट हो रहा है। दो का एक करेंगे जाली डालते हुए, अब तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, ये देखिए तीन फंदे सीधे। फिर से हमें यहाँ पे जाली डालनी है, इस फंदे को पहले सीधा करेंगे पीछे की तरफ दो का एक करेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, लास्ट वाला ये देखिए। उल्टी रो में जो जैसे नज़र आ रहा है वैसे ही बनाएंगे। अब देखिए पहला फंदा स्किप करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, यहाँ पे दो का एक करेंगे। ये देखिए सारे फंदे यहाँ पे हमने घटा दिए, जाली डालेंगे। अब यहाँ पे पांच फंदे, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे बना दिए, जाली डालेंगे। इस फंदे को पहले सीधा कर लेंगे पीछे की तरफ दो का एक कर लेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, फिर से यहाँ पे दो का एक करेंगे आगे की तरफ से, जाली डालेंगे, पांच फंदे सीधे, दो तीन चार पांच, जाली डालेंगे। इस फंदे को पहले सीधा कर लेंगे दो का एक पीछे की तरफ से करेंगे, एक फंदा उल्टा, एस स्टिच उल्टा। उल्टी रो हमें जो जैसे नज़र आ रहा है वैसे ही बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब फिर से हमें फर्स्ट रो से स्टार्ट करना है। एक बार मैं फर्स्ट रो से स्टार्ट करके फिर से बता देती हूँ आपको, ताकि आपको अच्छी तरह से रिपीट हो जाए। पहला फंदा स्किप करेंगे, तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, दो का एक करेंगे आगे की तरफ से, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, जाली डालेंगे। इस फंदे को पहले सीधा कर लेंगे पीछे की तरफ से, ये देखिए दो का एक कर लेंगे, फिर से पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पांच, धागा पीछे करेंगे आगे की तरफ से, दो का एक करेंगे जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे जाली डालेंगे। इस फंदे को पहले सीधा करेंगे पीछे की तरफ दो का एक कर लेंगे, फिर से हमें तीन फंदे उल्टे बनाने हैं। ये हमारी फर्स्ट रो थी। मैंने बोला कि आपको अच्छी तरह से रिपीट हो जाए, अच्छी तरह से पता चल जाए। ये देखिए ये यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, पांच फंदे यहाँ पे, पांच फंदे यहाँ पे, जैसे हमने इधर स्टार्ट किया था वैसे नीचे से स्टार्ट किया था। इसलिए कि पूरा आपको अच्छी तरह से पता चल जाए, आप पूरे प्रोजेक्ट पे जब डालोगे तो ये डिज़ाइन ऐसे बन के आएगा। ये देखिए ऐसे बन के आएगा, बहुत सुंदर लगेगा फ्रेंड्स। इसे बना के ज़रूर ट्राई करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर योर टाइम। आगे मिलेंगे नई वीडियो के साथ।